न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा बड़ा झटका। दरअसल जमशेदपुर के झारखंड मुक्ति मोर्चा दलित विंग के जिला अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री जेएमएम दुलाल भुइयां के भाई बलदेव भुइयां अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। बीजेपी का दामन थामने आए जमशेदपुर जेएमएम दलित मोर्चा के जिला अध्यक्ष बलदेव भुइयां के साथ पलामू की रहने वाली उनकी पत्नी ममता भुइयां और छतरपुर के जेएमएम नेता रविंद्र राजू और कांग्रेस नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शामिल थे। वहीं जेएमएम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने आए सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया। मौके पर जेएमएम छोड़कर आए बलदेव भुइयां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर आज वह बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश विकास की ओर बढ़ रहा है, आज दुनिया में हमारे देश का बोलबाला हो रहा है। वहीं जेएमएम छोड़ने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस सोच और वादों के साथ हेमंत सरकार सत्ता पर काबिज हुई आज अपने वादों को पूरी तरह से भूल गई। राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है, जिसमें जेएमएम पार्टी के सभी कार्यकर्ता के बीच बहुत जोर नाराजगी बनी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। लगातार 9 वर्षों में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, मोदी जी की सरकार जन सामान्य के लिए, सर्व समाज के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बेहतर सरकार साबित हुई है। और लगातार मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में चरम सीमा पर और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उनके कार्यशैली, कार्य पद्धति और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान को मानते हुए आज कोल्हान के मजबूत स्तंभ भारतीय जनता, कोल्हान के मजबूत स्तंभ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हमारे बगल में बैठे हुए सम्मानित बलदेव भुइयां जी आए, उनके साथ रविंदर जी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं और उनकी और ममता बहन ममता जी भी हैं। ये लोग आज पार्टी के सैद्धांतिक चीज़ों पर सहमति जताते हुए मोदी जी की सरकार की उपलब्धियाँ और लोकप्रियता के आधार पर चल रहे हैं। जहाँ तक इनके ज्वाइनिंग से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लाभ मिलेगा, कोल्हान के क्षेत्र में ही नहीं मिलेगा बल्कि आप सबको जानते हैं कि भुइयां समाज झारखंड की एक बहुत बड़ी जागरूक समाज है। अपने भुइयां समाज केवल कोल्हान में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में निवास करता है, तो इनके आने से पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन कोल्हान में हमको ज़्यादा लाभ, इसलिए इनके आने से हम सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। ममता जी के आने से, रविंद्र जी के आने से हम सब आपको बधाई देना चाहते हैं और इससे आने से हम कोल्हान में भी मजबूत हैं। सभी विधानसभा के सीट हम जीते, कभी ना कभी हम जीते, इसीलिए वो हमारी उर्वरा भूमि है। कुछ पिछले विधानसभा के चुनाव में हमने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अब इन लोगों के आ जाने से ताकत बनेगी और ताकत बन करके हम चुनाव जीतने में सफल हो गया। उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत माँ का रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा है और राष्ट्रहित के लिए, एक ही पार्टी है जो राष्ट्रहित के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके वो काम करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रहित और देश हित के लिए हम जैसे युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ हम अपनाना चाहते हैं। यहाँ राज्य में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो आश्वासन ही चल रहा है। वो सभी नौजवानों को सभी पता है
कितना नौकरी मिला है अभी तक। इसीलिए मैं सरकार के तरफ में आज के दिन में हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम आज मिलन समारोह और सदस्यता ग्रहण के समारोह में आज भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धि के बारे में हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप बीजेपी में शामिल हुए जमीन में जो भी स्तर है, जो भी आपका केंद्र सरकार का योजना है, जो जमीनी स्तर पर धरातल में हम लोग लाने का काम करेंगे और जन जन पर हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। एक सदस्य, एक भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के नाते देखिए, ये राष्ट्र मुद्दा को लेकर के हमने छोड़ा, जेएमएम राष्ट्र मुद्दा को लेकर नहीं चल सकता। इसीलिए हम जैसे युवाओं को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी में, हम इसलिए शामिल हुए कि दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त मिला है और हम आशा करते हैं कि देश में आने वाला समय 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रही है और ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन है, इसीलिए तमाम पत्रकार बंधुओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज के दिन आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दादा एक तो क्वेश्चन है, 2024 में झारखंड में विधान होने लगते हैं, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, क्योंकि आप कोल्हान से आते हैं 14, कहीं ये तैयारी तो नहीं है? नहीं नहीं, ये तो पहले ही हम इन लोगों को आ जाना चाहिए था, ये हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी में हमको शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन चूक हुआ है और हमारे आदरणीय शीर्ष नेताओं ने हमें आशीर्वाद दिए हैं, हम को सम्मान दिए हैं, उसका सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, हेमंत सोरेन जी को कैसा नेता मानते हैं?